गोरखपुर में दीपावली के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आंख जलने, दुर्घटना में घायलों व फूड पॉइजनिंग की अतिरिक्त औषधियां सभी सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC PHC पर भेज दी गई हैं। डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि बिना सूचना के जिला मुख्यालय ना छोड़ें। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि दीपावली पर पटाखा फूलझड़ियां जलाने के दौरान आंख व जलन की समस्या हो सकती है, गिरकर भी लोग चोटिल हो जाते हैं। खान पान अचानक बदलता है, इससे फूड पॉइजनिंग की समस्या भी आती है और पेट की दिक्कत शुरू हो जाती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त औषधियां व ड्रेसिंग के सामान CHC PHC पर भेज दिए गए हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को 24 घंटे खुले रखने का निर्देश दिया गया है। हर स्वास्थ्य केंद्र पर हर समय डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे। बिना बताए डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी जिले से बाहर नहीं जाएंगे। छठ पर्व तक सभी की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा कुत्ता व सांप काटने की दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य केंद्रों पर भेज दी गई है। CHC पर 5-5 बेड व जिला अस्पताल में 20 बेड आरक्षित करने को कहा गया है। जिला अस्पताल व BRD मेडिकल कॉलेज में बर्न वार्ड को सतर्क रहने को कहा गया है, ताकि आपदा की स्थिति में आसानी से उससे निपटा जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, जितने भी हमारे राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनकी अवकाश निरस्त किए गए हैं और सबको केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा। और सभी चिकित्सालयों में, जिला अस्पताल में 15 बेड, TV अस्पताल में 15 बेड, BRD मेडिकल कॉलेज में 25 और समस्त प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 5-5 बेड आरक्षित किए गए हैं। 24 घंटे चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और जिला अस्पताल में खास करके जो हमारे जो जले वाले मरीज होते हैं, सर्जन, उनके लिए सर्जन और आई सर्जन की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है और इससे संबंधित जो भी आवश्यक औषधियां हैं वो सबको उपलब्ध कराया गया, 24 घंटे रखने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही साथ किसी आकस्मिक दुर्घटना होने के लिए जो एम्बुलेंसेज हैं उनको सजग सतर्क किया गया है। देखिए, गोरखपुर निवासियों से आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, दीपावली का पर्व हर्षोल्लास का पर्व है और यह प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है, तो सभी से मैं आग्रह करूंगा इसको खुशियों का ही त्योहार रखिए। इसको पटाखे और तमाम तरह की कुरीतियों से दूषित मत। दीपावली का त्यौहार दीपों का त्यौहार है, अपने घर की चौखट पर दीपक जलाइए, प्रभु श्री राम के आदर्श को पालन कीजिए और साथ ही साथ आपस में जो आपसे कम समृद्ध लोग हैं उनके बीच में उपहार बांटिए। खास करके पटाखे का त्यौहार, इसमें काफ़ी नुकसान होता है। अगर आप पटाखा चलाते हैं तो ग्रीन पटाखे जो होते हैं उनका उपयोग करें, और अगर ग्रीन पटाखे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ये पटाखे कर रहे हैं तो इसको बच्चों को अपनी निगरानी में कराइए और जहाँ पर बच्चे पटाखे चला रहे हैं वहाँ पर कम से कम एक बाल्टी पानी अवश्य होना चाहिए और एक बाल्टी बारूद होना चाहिए। पटाखों को हाथ से कतई मत जलाएं, इसके लिए लंबे डंडे पर आगे कपड़ा बांध करके उसे चला करके उसी से जलाएं। वृद्ध और गर्भवती माताएं कतई उस स्थान पर न जाएं और जो आवाज वाले पटाखे होते हैं उसको छोड़ने के पहले कानों पर ईयर प्लग जरूर लगाएं। इसी के साथ साथ दीपावली के त्यौहार में खान पान की विशेष होती है, लेकिन मुनाफाखोर लोग जो है बाजार में सक्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं उतना दूध गोरखपुर में नहीं होता जितने दूध का इस्तेमाल किया जाता है, तो कृपा करके सब लोग अपने घर के अंदर बनी हुई मिठाइयाँ ही इस्तेमाल कीजिए। वो चाहे सूजी से बनाइए, चाहे बेसन से बनाइए, चाहे घर के जो गुड़ से बनाइए, बाजार की जो अपमिश्र मिठाइयाँ होती हैं उनका